सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी हम लोग आए हुए हैं बाकरगंज पटना में, और बाकरगंज के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत बता दूं कि ये पटना का, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स हब बोला जाता है। यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान चारों तरफ मिलते हैं, और ये एक छोटी सी गली में बसा हुआ एक बड़ा सा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के ए टू जेड सामान आपको मिल जाएंगे, मोबाइल एक्सेसरीज़, सारे स्पीकर्स, यू नो एवरीथिंग, टीवी, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, लाइट्स। अभी दिवाली का टाइम है तो चारों तरफ बस लाइट ही लाइट यहाँ पे बिख रहा है, लाइट्स काफ़ी ज़्यादा बिख रहे हैं। सो मैं दिवाली से दो दिन पहले बाकरगंज आया हूँ कुछ ख़रीदारी करने, तो चलिए आप लोगों को यहाँ के कुछ वीडियोज़ दिखाता हूँ जो मैंने शूट किए थे। और बाकरगंज जाने से पहले हम रुके थे हरि निवास के पास, और ये रहा हरि निवास। ये काफ़ी पॉपुलर है पटना में, और किसी का भी मोबाइल ख़राब होता है या किसी को मोबाइल लेना होता है तो ये सबको बस यही याद आता है कि यही जगह हरि निवास, हरि निवास जैते उक मोबाइल के टेम्पर बदलावे। ये बहुत ही कॉमन है यहाँ पे, और हरि निवास आएँ और यहाँ पे लिट्टी चोखा अगर आपने नहीं खाया तो क्या घंटा आप हरि निवास आएँ, और काफ़ी सही यहाँ पे मिलती है लिट्टी चोखा। देखो बैक कवर्स, टेम्पर ग्लास यहाँ पे आपको सस्ते से सस्ते दामों में मिल जाएंगे, और यहाँ पे मोबाइल्स की भी काफ़ी अच्छी रेंज आपको होलसेल रेट में मिल जाती है। तो अगर आपकी दुकान बिहार में कहीं भी है तो आप यहाँ पे आके ख़रीदारी कर सकते हो बिल्कुल होलसेल रेट में, और बिल्कुल सस्ते दामों में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको बाकरगंज आना है तो आप गांधी मैदान के पास आके किसी से भी पूछ सकते हो कि भैया बाकरगंज कहाँ पे है, तो आपको बस इशारा करके ही आपको वो गली दिखा देगा जहाँ पे बाकरगंज है। ये बिल्कुल गांधी मैदान के पास ही है, सो कोई भी आपको वहाँ पे बता देगा, रिक्शे वाला, किसी दुकानदार से आप पूछ सकते हो, ऑटो वाले से पूछ सकते हो, कोई भी आपको बता देगा। और गांधी मैदान से बाकरगंज में एंट्री मारने के 3-4 रास्ते हैं, मुझे बस दो ही पता है, तो आप किसी से भी यहाँ आकर पूछ सकते हो कि बाकरगंज कहाँ पे, तो कोई भी आपको बड़ी आसानी से बता देगा। और अभी बाकरगंज में बिल्कुल दिवाली का माहौल है, क्योंकि दो दिन बाद दिवाली है, तो एक्चुअली मैं ये ब्लॉग लेट डाल रहा हूँ, पर दो दिन बाद दिवाली है तो काफ़ी हर जगह बस लाइट्स ही लाइट्स बिक रहे हैं, और काफ़ी सजा धजा एकदम चमचम चमचम कर रहा है पूरा बाकरगंज। और यहाँ पर आपको हर चीज़ होलसेल रेट में मिलती है, और आप यहाँ पे बल्क में ख़रीदारी कर सकते हो अपने शॉप के लिए, अपने बिजनेस के लिए, और ये काफ़ी पूरा दिन भर बिजी रहने वाला मार्केट है। लेते हैं थोड़ी चाय की चुस्की और फिर करते हैं आगे की व्लॉगिंग। एक से एक ये देखिए कितनी अच्छी लाइट्स हैं, और काफ़ी सही सही एक से एक तरह के लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं अभी दिवाली के टाइम पे। और ये रहा रिमोट घर, यहाँ पे हर चीज़ की रिमोट आपको मिल जाएगी, शायद मैंने जाकर पूछा तो नहीं, बट इसका नाम ही है रिमोट घर। और ये देखो लाइटनिंग। सो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है व्लॉगिंग करने में, सो आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे। और ये देखो स्पीकर्स यहाँ पे बनते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ बनाए भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं, और यहाँ पे आकर आप काफ़ी सस्ते दामों में इन स्पीकर्स को खरीद सकते हो। ये वाली लिट्टी खाई मैंने, आप भी खा सकते हो अगर आओगे तो, बट यहाँ के रसगुल्ले बिल्कुल मत खाना, क्योंकि मैं खाने के बाद बहुत पछताया और मेरे पैसे बर्बाद हो गए। क्यों नहीं खाना ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बस मत खाना, लिट्टी आप खा सकते हो। और ये देखो होम थिएटर्स, वूफर्स, स्पीकर्स, काफ़ी अच्छा मार्केट है। अगर आप पटना में रहते हो तो यहाँ पे आकर एक बार आप विज़िट कर सकते हो, काफ़ी सही है, घूमने लायक मार्केट है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, आपका मन बहल जाएगा एकदम पूरी तरह से,
अच्छी अच्छी ऐसी ऐसी गैजेट्स आपको देखने को मिलेंगी जो आपने पहले ना देखा होगा। सो आप यहाँ पर आके ख़रीदारी कर सकते हो और काफ़ी कुछ देख सकते हो। सो अगर आप पटना में रहते हो तो यहाँ नहीं आए तो यार क्या आए। सो मेरे भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर नए हो तो, और अगर पटना में रहते हो तो यार बिल्कुल कर लो। मिलते हैं किसी दिन, जल्द ही गप्पे शप्पे मारेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।